असलम डेयर स्टूडेंट्स माई नेम इज़ मुबशरा मंजूर वेलकम टू माई क्लास वेर वी आर गोइंग टू स्टडी कंप्यूटर साइंसिज़ ऑफ ग्रेड ट्वेल्व आज का जो हमारा लेक्चर है इट इज़ रिलेटेड टू स्ट्रिंग हैंडलिंग इन सी हम देखेंगे कि स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है हम देखेंगे कि स्ट्रिंग हैंडलिंग सी में किस तरह से होती है उसको अरे के तौर पे किस तरह से स्टोर किया जाता है अरे का क्या मतलब है सो लेट्स मूव ऑन टू द लेक्चर सो स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग हैंडलिंग को और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग हैंडलिंग के लिए कौन सी ऐसी डेटा टाइप है न्यू जिसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है सो स्ट्रिंग हैंडलिंग का मतलब ये हुआ कि आप बहुत सारे जो कॉम्बिनेशन ऑफ़ वेरिएबल्स हैं उनको किस तरह से ग्रुप की फॉर्म में स्टोर करवा सकते हैं इन टू मेमरी लोकेशन और या फिर ये कि कोई भी आपकी जो लैंग्वेज है वो स्ट्रिंग्स को यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को या कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स को या कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को या स्पेशल कैरेक्टर्स को किस तरह से हैंडल करती है इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग अभी तक क्या हो रहा था कि यहां तक भी हमने स्ट्रिंग की डिस्कशन की है लेकिन हमने ये नहीं देखा कि सी में आ, बैक एंड पे आ, किस तरह से स्टोर किया जाता है स्ट्रिंग को हमने ये जरूर डिस्कस किया था कि हम प्रिंट एफ में जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेट स्ट्रिंग दे सकते हैं जो कि एज इट इज डिस्प्ले हो जाते हैं ऑन द स्क्रीन लेकिन तब भी हमने ये डिस्कस नहीं किया था कि अपना नाम सेव करवाती हूँ फॉर एग्जांपल मुबशरा मंजूर तो उसके अंदर Obviously different length of characters होगी इसी तरह अगर मैं कोई अपना date of birth save करवाऊँ तो उसके अंदर different होगी इसी तरह अगर मैं कोई sentences लिखूँ तो उसके अंदर कुछ और length होगी तो string can be of multiple length जो कि आप पहले से sometimes decided नहीं भी होता तो हमने अभी तक ये नहीं देखा था जितने भी चैप्टर्स अभी तक हमने डिस्कस किए हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स को डिस्कस किया है उसमें हमने ये नहीं देखा था कि हम किस तरह से स्ट्रिंग्स को हैंडल करते हैं या सी लैंग्वेज में स्ट्रिंग को किस तरह से हैंडल किया जाता है इन टर्म्स ऑफ मेमरी एलोकेशन जब हम बात करते हैं स्ट्रिंग्स की तो स्ट्रिंग का मतलब होता है कि ऐसा डेटा जो कि कॉम्बिनेशन है यानी ऐसा हो सकता है कि अपने जो फ्रेंड्स हैं उनका डेटा आपने स्टोर करना है जैसे कि आपने उनके नाम उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, उनके एड्रेसेस स्टोर करने हैं तो डेट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स और क्या कॉम्बिनेशन ऑफ एज वेल एज एल्फा नोमरिक वैल्यूज इसी तरह कोई एक कंपनी हो सकती है जिसने अपने एम्प्लॉयज़ का डेटा सेव करना हो इसी तरह से ये हो सकता है कि जो कोई गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जो कि क्रिमिनल रिकॉर्ड भी हैं तो हो सकता है उन्होंने वो रिकॉर्ड मेंटेन करना हो जिसके अंदर उनकी फ़ोटोग्राफ भी हो सकती हैं उनका जो सी एन आई सी नंबर हैं वो हो सकते हैं उनके आइडेंटिफिकेस हो सकते हैं उनके कॉन्टेक्ट डिटेल्स उनके एड्रेसेस और उनके जो स्पेशल असाइंड आई डीज़ हैं वो भी हो सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रिंग जो है वो कॉम्बिनेशन में आप स्टोर करवाते हैं या हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम फाइल सेव करने की बात करते हैं तो उसके अंदर मोस्टली डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स राइट तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कह रहे हैं कि स्ट्रिंग की हैंडलिंग इंपॉर्टेंट है तो उससे पहले हमें ये बात क्लियर होनी जरूरी है कि स्ट्रिंग होती क्या है ठीक है जिसको हमने अभी डिस्कस किया कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स दैट आर स्टोर्ड इन द मेमरी लोकेशन इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप ठीक है ये इस तरह से स्टोर नहीं है जिस तरह हमने कहा कि वेरिएबल है तो वेरिएबल की एक सर्टेन वैल्यू है इट इज ऑक्यूपाइंग सर्टेन स्पेस इन द मेमोरी लोकेशन और वो अकॉर्डिंग टू तो उसकी डेटा टाइप उसको साइज असाइन हुआ हुआ है जिसके अंदर जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाती है तो वट इफ देर आर मल्टीपल काइंड ऑफ वेरिएबल्स एंड देर मल्टीपल ऑफ़ स्ट्रिंग लेंथ एंड वी हैव टू अकोमोडेट दैट इन टू वन फाइल तो वो किस तरह से सेव होगी बैक एंड पे वो हम इस लेक्चर में देखेंगे अच्छा अब अगर आप देखें तो हम बात करते हैं स्ट्रिंग की या स्ट्रिंग हैंडलिंग की तो स्ट्रिंग हैंडलिंग सी में इज डन वाई अरेज अरेज का क्या मतलब हुआ ये वर्ड शायद मैंने कभी पहले भी आपके साथ यूज़ किया हो लेकिन हमने इसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया कि अरे का मतलब क्या है अरे इज़ अ ग्रुप ऑफ कंटिगूस मेमरी लोकेशंस दैट स्टोर डेटा इन अ टिपिकल डेटा टाइप और इन अ स्पेसिफिक डेटा टाइप कंजेक्टिव मेमरी लोकेशंस जो कि एक सर्टन टाइप का या एक स्पेसिफिक टाइप का डेटा ही स्टोर करती हैं ऑन दी अदर हैंड कि बुक में ये मैंशन नहीं है लेकिन लिस्ट का मतलब ये होता है कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी हैं जो लिस्ट को भी सेव करती हैं लिस्ट और अरे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लिस्ट भी जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है और अरे भी कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स है सिर्फ फ़र्क इसमें ये है कि जो अरे होती है उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं यानी कि जितने भी उसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं जितने भी एलिमेंट्स उसके अंदर स्टोर होते हैं जितने ग्रुप्स में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं स्टोर हो रहे हैं उन सब की डेटा टाइप सेम होती है ऑन दी अदर हैंड लिस्ट में ऐसा नहीं होता सो so, अरे को हम अपना फोकस रखेंगे यहाँ पे क्योंकि सी में जो हैंडलिंग होती है स्ट्रिंग की हैंडलिंग इट इज़ डन इन द फॉर्म ऑफ एन अरे और अरे मैंने आपको बताया कि ये कंजेकेटिव मेमोरी लोकेशन हैं जिसके अंदर सेम टाइप का डेटा जो है वो स्टोर होता है अब अगर आप देखें तो जो फॉर्मेट है या अरे को लिखने का सेंटेक्स है वो किस तरह से है ये हम देखते हैं मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी है कि अरे एक और तरह की डेटा टाइप है एक और तरह की डेटा टाइप है जो कि डिफरेंट डेटा टाइप को भी अकोमोडेट करती है इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रुप तो इसका मतलब ये है कि ये है डेटा टाइप ही जैसे पॉइंटर्स के बारे में हमने पढ़ा कि ये एक डिफरेंट तरह की डेटा टाइप है और ये क्या करती है एड्रेस स्टोर करता है इसी तरह अरे जो है वो ग्रुप ऑफ़ कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है या कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है या वर्ड्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है ठीक है थेके? जब हम बात करते हैं सिंटेक्स की तो अगर आप देखें सबसे पहली जो चीज़ मैंशनड है वो है डेटा टाइप डेटा टाइप इसलिए सिंगल टाइप डेटा टाइप लिखी गई है क्योंकि अगर आप देखें तो मैंने आपको पहले बताया जितनी भी मेमोरी लोकेशन उस अरे में होंगी दे ऑल विल बी ऑफ सेम डेटा टाइप यानी कि सेम ही उसकी डेटा टाइप होगी जितनी लोकेशन सेव होती जाएंगी कंजेक्टिव लोकेशन उन सब पे एक ही तरह का डेटा होगा फॉर एग्जांपल अगर वो इंटीजर है तो सारी वैल्यूज़ इंटीजर टाइप की ही होंगी अगर वो कैरेक्टर है तो सारी वैल्यूज़ कैरेक्टर टाइप की ही होंगी दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन यानी कि आप कोई और डेटा टाइप उसमें स्टोर ही नहीं करवा सकते जो एलोकेशन होगी मेमरी की वो ही इसी हिसाब से होगी या सी जो है कंपाइलर वो उसको इसी हिसाब से एडजस्ट करेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको उतनी ही मेमोरी एलोकेट करे। देन एक और चीज हमारे पास आ जाती है जिसके आगे लिखा हुआ है वो है अरे नेम यानी कि हम अरे को नाम क्या दे रहे हैं इट इज मोर लाइक द नेम ऑफ वेरिएबल जैसे हम वेरिएबल्स को कोई नाम देते थे जैसे हम फंक्शंस को कोई नाम असाइन करते थे इसी तरह से हम अरे को भी कोई नाम असाइन करेंगे या जिस तरह से हम पॉइंटर्स को भी अपनी मर्जी से कोई नाम असाइन करते थे तो हम उसके लिए कोई नाम चूज कर देंगे यहां पे अगर आप देखें तो इसका नाम जो है वो अभी सिर्फ और सिर्फ लिखा हुआ है अरे नेम लेकिन हम उससे कोई नाम असाइन कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल ए जैसे हम वेरिएबल का नाम रखते थे या फॉर एग्जाम्पल मैं उसको अरे ए डबल आर कह सकती हूँ कुछ भी नाम हम उसको दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशनल रूल्स ठीक है उसके बाद ये है कि आपके पास एक और चीज आ जाती है जो आप देखें ब्रैकेट्स में लिखी हुई है वो है एक नंबर एन लिखा हुआ है वहां और उसका मतलब यह है कि एक नंबर अब इस नंबर को आप कहते हैं सब्सक्रिप्ट ऑफ द अरे यानी ये बताता है कि उस अरे की लेंथ कितनी होगी आपने कहा ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं आपने कहा ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं या ग्रुप ऑफ सर्टेन डेटा टाइप है कितने नंबर ऑफ दैट एलिमेंट्स मेक दैट ग्रुप तो ये बात आपको पता चलती है सब्सक्रिप्ट से यानी अगर फॉर एग्जाम्पल अब देखें तो मैंने एक अरे डिक्लेयर की जिसका नाम ए है उसकी डेटा टाइप देखें वो इंटीजर है ठीक है ए विच इज इंटीजर उसकी स्टार्टिंग जो टाइप है वो लिखी हुई है डेटा टाइप इंटीजर म ऑफ द अरे दैट इज ए और उसके आगे अगर आप देखें तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है सिक्स विच मीन के इसमें कितने एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है कितने एलिमेंट ग्रुप हो सकते हैं वो सिक्स है इंटीजर टाइप की छ लोकेशन कैन बी असाइन टू एन अरे जिसके अंदर आप छे इंटीजर जो है वो स्टोर करवा सकते हैं सो दैट मीन्स के अरे का मतलब यह है कि कंजेकेटिव मेमरी लोकेशन असाइंड हैं ये इसी तरह से है जैसे कि मैं छः अलग अलग जो है इंटीजर टाइप के जो वेरिएबल्स हैं उनको डिक्लेयर करूँ वन आफ्टर दी अदर इन द मेमरी लोकेशन तब भी शायद मुझे इतनी श्योरिटी नहीं होगी कि वो कंजर्कटिव मेमरी लोकेशन है क्योंकि मेमरी एलोकेशन जो है वो हमेशा कंपाइलर ने करनी है या फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने डायरेक्ट करना है कि किस तरह से असाइन होंगे उसको मेमरी कैसे असाइन होगी तो उसका मतलब ये है कि हमारे पास जो अरे है दैट इज श्योर शॉर्ट आईडिया ऑफ हैविंग कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन ऑफ द सेम वेरिएबल टाइप ठीक है अब आ, इस तरह की जो बहुत सारी हम वेरिएबल्स जो हैं वो डिक्लेअर कर सकते हैं जिस तरह से अगर आप देखें तो नेक्स्ट लिखा हुआ है डबल टाइप की एक अरे जिसका नाम क्या है उसका नाम है बी और उसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं 10 तो इसका मतलब हुआ डबल या फ्लोटिंग टाइप के आप टेन जो नंबर्स हैं वो आप इस अरे के अंदर स्टोर करवा सकते हैं स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रिंग हैंडलिंग कैसे होती है सी में और हमने ये भी देखा है कि जो स्ट्रिंग हैंडलिंग है इट इज़ डन यूजिंग अरेज और अरेज़ जो हैं वो कंटिगूस मेमोरी लोकेशन हैं या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स हैं इन सी जिसको कुछ कलेक्टिव मेमोरी जो है वो असाइन होती है अभी हम देखेंगे कि जो डिक्लेरेशन है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रे डिक्लेयर करी हूँ या ए, एक अरे बना रही हूँ या एक अरे का सिंटेक्स लिख रही हूँ उसका नाम है ए ठीक है यानी मैं फर्स्ट में क्या करूँगी सबसे पहले मैं उसकी डेटा टाइप असाइन करूंगी मैं कहती हूँ कि ये इंटीजर टाइप की एक अरे होगी ये उसका नाम होगा ए आर आर फॉर एग्जाम्पल मैं रख देती हूँ उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं एंड आई से कि इट इज ऑफ लेंथ सिक्स अगर हम बात करें कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशंस की तो आपके पास सबसे पहले तो क्या होगा सिक्स मेमोरी लोकेशन मेमोरी में असाइन हो जाएंगी इस पर्टिकुलर डेटा टाइप को जिसका नाम है ए आर आर हर लोकेशन जो होगी यानी कि हर पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ दैट डेटा टाइप वुड बी ऑफ इंटीजर टाइप यानी कि हर एक को इंटीजर टाइप की ही मेमोरी एलोकेट होगी विच इज़ टू बाइट इन सी इसका मतलब है है? ये 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 भी भी भी, भी, भी भी, का का, हुआ, और ठीक अब हम कह रहे हैं कि हमने एक्सेस कैसे करना है इसको, यानी यानी इस particular जो data type है, कि ये data type किसी एक variable पे consist नहीं नहीं करी, करी कोई एक uh, address store नहीं करी, like pointers, एक बल्कि ये अलग तरह की डेटा टाइप है जिसके अंदर ग्रुप ऑफ लोकेशंस आ रही है ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन हैं, तो इसका मतलब है ग्रुप ऑफ मेमोरी लोकेशन को कोई एड्रेसेस भी असाइन होंगे या उसको हम अरे के केस में कहते हैं सबस्क्रिप्ट या हम उसे कहते हैं इंडेक्स इंडेक्स का प्लूरल इज इंडिसेस यानी सब्सक्रिप्ट या इंडिसेस के थ्रू हम उसको एक्सेस करते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन को अब जो लोकेशन का इंडेक्स है या उसका सबस्क्रिप्ट है वो हमेशा ज़ीरो से ही स्टार्ट होगा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कह सकती हूँ कि इंडेक्स को मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर देती हूँ तो इस लोकेशन का इंडेक्स जीरो होगा डेफिनेटली इसका कुछ ना कुछ अलग से मेमरी एड्रेस ज़रूर होगा जो कि मेमोरी का अपना एड्रेस होता है जो हमने देखा था कि हाँ जो हैगजा डेसम्बल में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो डेफिनेटली होगा लेकिन उसके अलावा जो मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुई हैं उनको हम इंडेक्स से रिप्रेजेंट करते हैं जीरो वन टू थ्री फोर एंड फाइव तो इसका मतलब यह है कि इस पर्टिकुलर अरे के अंदर जीरो से फाइव तक की लोकेशंस हैं जिसमें हर लोकेशन पे आप एक इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं आपकी जो अरे का साइज होता है दैट डिटर्मिन्स कि उसमें तादाद कितनी होगी नंबर ऑफ लोकेशंस कितनी होंगी लेकिन जो नंबर ऑफ इंडेस होते हैं अगर मैं इस नंबर ऑफ लोकेशन को एन कहूँ, तो जो इंडेस होते हैं वो हमेशा एन माइनस वन तक होते हैं जैसे आप यहाँ पे देखें तक है अगर मैं इसे कहूं ये एन है स्मॉल एन तो दिस नंबर विल बी एन माइनस वन यानी कि फाइव तक होगा इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूँ, एक मैं रेडिक्लेयर कर रही हूं जिसका नाम है ए और उसकी डेटा टाइप है इंटीजर और मैं कहती हूं कि ये फोर लेंथ की अरे है तो इसका मतलब है कि इसमें फोर कंजेकेटिव मेमोरी लोकेशंस ये मेमोरी लोकेशंस मैंने जैसे पहले बनाई थी अरे की फॉर्म में मैं वैसे भी बना सकती हूँ लिस्ट की फॉर्म में इस तरह से भी अगर आप देखें तो मैं इसको बना सकती हूँ कि ये जो इसकी लोकेशंस हैं वो इस तरह से होंगी यानी फर्स्ट लोकेशन का इंडेक्स ज़ीरो सेकेंड का वन फिर टू एंड फिर थ्री इसका मतलब ये है कि अगेन इसके इस वेरिएबल के अंदर कितने इंडेक्स हैं जीरो वन टू अपू थ्री और उसकी लेंथ जो है वो फ़ोर है इसका मतलब है हर लेंथ के ऊपर जो वैल्यू मैं स्टोर कर आ सकती हूँ वो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम कह लें कि फर्स्ट जो हमारे पास लोकेशन है उस पर ट्वेंटी सेव्ड है सेकेंड पर मेरे पास फॉर्टी सेव्ड है इसके बाद मेरे पास फिफ्टी फाइव सेव्ड है और उसके बाद मेरे पास टू सेव्ड है तो इसका मतलब हुआ कि ये एक मेमोरी लोकेशन का कॉम्बिनेशन है एक डिफरेंट डेटा टाइप्स का कॉम्बिनेशन है जो आपके पास मेमोरी में बिल्कुल कंजेकेटिव लोकेशन पे साथ साथ वाली नेबरिंग लोकेशन पे सेव हुए हुए हैं और वो डेटा टाइप जो है उसको आप कहते हैं अरे अरे का मतलब हुआ कि आपको एक से ज्यादा स्लॉट्स भी जो है वो अलॉट हो सकते हैं इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि ए थ्री पे क्या वैल्यू है यानी ए थ्री में वैल्यू क्या है तो दैट विल बी दिस वन यानी आप कहेंगे कि उसके अंदर वैल्यू जो है वो टू है सो दैट विल बी टू अगर मैं आपसे कहूँ ए फोर में क्या वैल्यू है बिकॉज द लेंथ इज़ फोर तो दैट विल बी एन इन वैलिड क्वेश्चन बिकॉज आपके पास फोर्थ इंडेक्स जो है दैट इज एन माइनस वन और थ्री आपके पास एज़ ए फोर जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती मेमोरी लोकेशन जो असाइनमेंट होगी यानी जब मेमोरी एलोकेट हो गई इन वेरिएबल्स को तो चाहे आप उन सारे वेरिएबल्स के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करें चाहे आप कुछ ब्लॉक्स यूज़ करें और कुछ ब्लॉक्स यूज़ ना करें जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा या जो असाइनमेंट है मेमोरी की वो उन पर्टिकुलर ब्लॉक्स की किसी और को नहीं होगी जब तक कि वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता और वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता वो पर्टिकुलर वेरिएबल क्योंकि आपने क्या कहा है कि आपने एरे के अंदर वो चार या पाँच या छः लोकेशन या जितनी भी आपने उसकी लेंथ बताई है उतनी लोकेशन आपने रिज़र्व कर ली हैं फॉर दिस अरे ओनली तो अगर आप चाहें तो आप इसको इस तरह से भी ज्यूम कर सकते हैं कि आपने अगर एक ऐसी बिल्डिंग देखी हो जिसके अंदर डिफरेंट विंडोज़ हैं सेम लोकेशन पे तो अगर मैं हर विंडो के ऊपर या हर एलिवेटर के ऊपर यानी कि हर जो लिफ्ट होती है उसके ऊपर एक नंबर लिख दूं तो इसका मतलब होगा कि वो एक मेमोरी लोकेशन बन गई हर फ्लोर एक मेमोरी लोकेशन हो गया तो कंजर्कटिव लोकेशंस जो हैं एक पूरी बिल्डिंग बना रहे हैं इसी तरह से कंजर्कटिव लोकेशंस इन द मेमोरी मेक अ होल राइट right? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अरे जो है इट इज़ मोर लाइक अ लिफ्ट अगर आप लोगों ने लिफ्ट देखी है तो लिफ्ट आहिस्ता आहिस्ता उसे ऊपर जाती रहती है हर फ्लोर के ऊपर तो फर्स्ट जो आपका ग्राउंड फ्लोर है दैट वुड बी इफ वी अज्यूम इट एज अ जीरो इंडेक्स और वी कॉल इट अ जीरो फ्लोर तो इसका मतलब हुआ उससे नेक्स्ट फ्लोर जो है वो आपका वन फ्लोर होगा फिर टू फिर थ्री फिर फोर और हर फ्लोर पे जो नंबर ऑफ पीपल दोज आर गोइंग इनसाइड दैट पर्टिकुलर लिफ्ट उनको हम कहेंगे कि ये वो वैल्यू है जो कि इस टाइम पे उस लिफ्ट में एग्जिस्ट करती है या उस इंडेक्स पे एग्जिस्ट करती है तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरह से अपनी जो अरे है उसको इनिशलाइज करते हैं या हम किस तरह से अरे को डिस्कस करते हैं या अरे का मतलब क्या है जब हम बात करते हैं अरे की तो अरे का मतलब ये हुआ एक और चीज़ जो छोटी सी होती है जो कि आपकी अभी बुक में इस टॉपिक में मैंशन नहीं है लेकिन आप इस वेरिएबल लेंथ को आप एम भी छोड़ सकते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिख दूं तो इसका मतलब है कि अब इसकी लेंथ फ्लेक्सिबल है यानी आप जितने एलिमेंट्स इसको असाइन करेंगे उतनी उस अरे की लेंथ हो जाएगी फॉर एग्जाम्पल कि मैंने एक अरे बना ली और मैंने उसके इंडेक्स जीरो पे टू स्टोर कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि देर इज एन अरे जिसका एक जीरो इंडेक्स है ए आर आर जीरो और हमेशा आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं जब भी इंडेक्स की बात करते हैं तो ब्रैकेट्स ही हम यूज़ करेंगे उसके अंदर वैल्यू क्या है टू फिर उसके बाद एक और उसका इंडेक्स है ए आर आर वन क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा ए आर आर वन हैज़ फाइव तो इसका मतलब है ये वैल्यू फाइव है इसी तरह मैं जितना भी इसको एक्सटेंड करना चाहूँ मैं अगर यहाँ पे इसको कंप्लीट करना चाहूँ तो ये कंप्लीट हो जाएगी अगर मैं इसको एक्सटेंड करना चाहूँ तो ये एक्सटेंड हो सकती है क्योंकि जो अरे के अंदर इंडेक्स था या सबस्क्रिप्ट था वो मैंने मैंशन नहीं किया बल्कि आई लेफ्ट इट एम तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक डायनेमिक लेंथ की अरे जो है वो बन गई यानी कि जितने आप उसके अंदर वैल्यूज़ असाइन करते जाएंगे उतनी लेंथ उस अरे की कंप्लीट uh, होती जाएगी सो आई होप यू अंडरस्टूड वट अरेज आर हाउ आर देल्पफुल इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग द स्ट्रिंग इन सी सो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने बात की स्ट्रिंग हैंडलिंग की हमने ये भी देखा कि अरे का क्या मतलब होता है अरे को बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया अरे को ऑर्गेनाइज करने का क्या मतलब है या उसको डिक्लेयर करने का क्या मतलब है हमने देखा नेक्स्ट uh, लेक्चर्स में हम ये भी देखेंगे डिकलेशन इनिशलाइजेशन असाइनमेंट का क्या मतलब होता है सो अनटिल नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफ़